ये हैं सहरसा के मंजीत कुमार सिंह। ये कोरोना संकट से पहले से ही एम्बुलेंस चलाते रहे हैं। कोरोना के इस भीषण संकट में जब लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, लोग एम्बुलेंस के लिए परेशान हैं, तो मंजीत ने सभी सुविधाओं से युक्त अपनी एम्बुलेंस से मुफ्त सेवा देना शुरू किया है। मंजीत बताते हैं कि कोरोना के इस भीषण संकट में जब एम्बुलेंस वाले नाजायज़ पैसा ले रहे हैं, तो उन्होंने अपनी एम्बुलेंस की मुफ्त सेवा उपलब्ध कराई है। इस महामारी में हम अपने एम्बुलेंस को फ्री सेवा दिए हुए हैं, जबकि हमारे एम्बुलेंस में मॉनिटर, आईसीयू सिस्टम सहित ऑक्सीजन की सुविधा है। फिर भी जबकि हमारा ड्राइवर जो है वो बीमार है, उसका परिवार बीमार है, फिर भी हम और मेरा ड्राइवर एकदम तत्पर हैं कोविड पेशेंट को कहीं भी ले जाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई डीजल, कोई ऑक्सीजन सेवा, कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार हैं। इन्हें इनके मोबाइल पर सूचना मिलती है और ये फिर मरीजों की लिस्ट बनाकर निकल पड़ते हैं उनकी सेवा के लिए। इस एम्बुलेंस में मॉनिटर और ऑक्सीजन सहित सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एम्बुलेंस के ड्राइवर शकील 24 घंटे अपनी एम्बुलेंस पर तैनात रहते हैं। कोविड पेशेंट के लिए हम लोग 10 दिन से सेवा दे रहे हैं, ठीक है। मंजी जी के अपनी ड्राइवर है, उनका वाइफ का तबीयत भी खराब है, फिर भी हम जो है पेशेंट का बात होता है तो हम लोग तैयार है तक 24 घंटे बिल्कुल फ्री में सेवा दिया जा रहा है, मंजी जी दे रहे हैं। मरीज के एक परिजन ने बताया कि उनके पिताजी को कोरोना हो गया तो उन्होंने मंजीत को उनके मोबाइल पर फोन किया। मंजीत ने बिना देर किए 30 किलोमीटर दूर उनके गांव में एम्बुलेंस भेज दी। मेरे पिताजी बीमार थे तो मैंने मंजीत कुमार सिंह, जो कि निजी एम्बुलेंस रखे हुए हैं, उनको मैंने फोन किया। मुफ्त में मेरे गाँव से 2 बार मेरे पिताजी को ला के कोविड वार्ड में भर्ती कराए। काफी सहयोग कर रहे हैं हम लोगों को। नहीं, मुफ्त में दिया जा रहा है, मुफ्त में 2 बार। कोरोना के लक्षण मिलते ही परिजन इस बात के लिए परेशान होते हैं कि जितनी जल्दी हो सके मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाए। ऐसे में एक फोन पर मुफ्त एम्बुलेंस मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। यही काम मंजीत और उनके सहयोगी कर रहे हैं। सहरसा से आनंद कुमार झा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।